गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, न्यू क्लास में प्रमोट हो चुके हो आप लोग, क्लास फिफ्थ। अभी भी कोरोना नहीं गया है, मास्क लगाकर रखना है। कहीं बाहर जाओ तब आपको मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है। आपको जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो आप अपने नोटबुक में प्रॉपर राइट डाउन करोगे, जो आपको राइट करने के लिए कहा जाता है वो वर्क कंप्लीट करोगे। कोरोना चल रहा है इस वजह से पता नहीं क्लासेस कब स्टार्ट होगी ऑफलाइन, इसी वजह से आप कम से कम ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपके टच में स्टडी रहेगी। ओके, तो आज से हम ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन मीन्स क्या? रिश्ता, संबंध, अपने जो रिश्ते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? रिलेशन। और अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना अपने को। अब हम छोटे थे तब हमें रिश्तों के बारे में पता नहीं था इतना, फिर थोड़े थोड़े जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमें रिश्तों के बारे में पता चला गया। ये अपने रिलेटिव से, ये अपने पड़ोसी है, ये सब कुछ जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता गया। अब देखो, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आप लोगों को इसी तरह से रिलेशन का चैप्टर आया हुआ है, याद करना, जिसमें आपको फैमिली के बारे में बताया हुआ है। ओके, फैमिली दो तरह की होती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ओके, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? जॉइंट फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे सारे एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे ये उतने ही रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। ये मैं आपको भी शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर टोटली अपना अंडरस्टैंडिंग रिलेशन पे, जिसमें आपको स्टोरी बताकर सारे रिलेशन यहाँ समझाए हुए हैं। अंडरस्टैंड, हम ये स्टोरी रीड भी करेंगे और उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखो, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। अब जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में देखो, आपको ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, यस। अब अपने जो इंडिया में हम क्या कहते हैं, जैसे मम्मी के भाई को मामा जी कहते हैं, पापा के भाई को चाचा या ताऊ, बड़े भाई होंगे तो ताऊ जी कहते हैं, छोटे भाई होंगे तो चाचा कहते हैं, यस। ये सारे रिलेशन, इन सबको क्या कहा जाता है, ये भी हम इसमें डिस्कस, ये पहले अपने क्लास में डिस्कस हो चुका है और मैं बताती हूँ। देखो, पैटर्नल फैमिली और मैटर्नल फैमिली। पैटर्नल यानी पापा के साइड वाले। अब देखो, आपको ये टेक्निक याद करने की, पी ए पापा, एम ए मम्मा, ठीक है? ये मैटर्नल मीन्स मम्मा के साइड वाले, पैटर्नल मीन्स पापा के साइड वाले। पापा के साइड वाले कौन कौन होंगे, देखो अपने डेली के लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ताऊ जी, चाचा, दादा, बुआ, ये मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, लेकिन ये सारे अपने पापा के साइड वाले रिलेशन में रहते हैं। और वही मम्मी के रिलेशन वाले, नाना, मामा, मौसी। ओके, अब देखो, पैटर्नल में ताऊ जी, चाचा, दादा, बुआ, फूफा जी, दादी जी, चाची, ताई जी, ये सारे रिलेशन पैटर्नल फैमिली में आते हैं।
और वहीं मैटरनल फैमिली में नाना नानी मामा मामी मौसी मौसा जी ये सारे रिलेशन मैटरनल फैमिली में आते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए ये अंकल कौन से साइड वाले पैटर्नल या मैटरनल तो आप बता सकते हो ओके मैटरनल और पैटर्नल। अपने भारतीय संस्कृति में अपने को इस तरह से नाम दिए हुए ताऊ जी यानी अपने आप पता चल जाता है क्या है ताऊ जी मीन्स पापा के बड़े भाई, चाचा चाचा मीन्स पापा के छोटे भाई, बुआ यानी पापा की बहन, यहाँ मामा बोलेंगे तो मम्मी के भाई ओके, और मामी बोलेंगे तो मम्मी की भाभी, मौसी मम्मी के सिस्टर, नाना मम्मी के पापा, दादा मम्मी के नहीं सॉरी पापा के पापा ओके। यानी इस तरह से ये रिलेशन हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सारा हम लोगों को पहले हो चुका है, ये मैंने सिर्फ अभी थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब क्या करेंगे हम ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग रिलेशन इसमें एक स्टोरी बताई गई है जिसमें पूजा और नेहा इनके बारे में बताया गया है। वो सेम स्कूल में स्टडी करती हैं, सेम क्लास में हैं और जब वो बातें करते हैं उसमें बातों में से किस तरह से रिलेशन को समझना है ये बताया गया है। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग रिलेशन समझना। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, रिलेशन मीन्स संबंध या रिश्ता, ये रिश्ते समझना। अब देखते हैं हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं ठीक है। यस अब क्या करते हैं चैप्टर समझते हैं। देखो ये चैप्टर आप लोगों को किस तरह से एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है कि रिलेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, जॉइंट फैमिली ये जो मैंने अभी आपको बेसिकली बताया था ये सारा आपको इसमें स्टोरी के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट पेज नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। अब देखिए इसमें पूजा और नेहा इनके बारे में बताया गया है और इनका कन्वर्सेशन बताया हुआ है कि किस तरह से इसमें इनके कन्वर्सेशन से हमें फैमिली के बारे में पता चलता है। यस नाउ स्टार्ट। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल, पूजा और नेहा सेम स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ाई करती है। वन डे पूजा वाज वेरी सैड, एक दिन पूजा बहुत दुखी थी। नेहा आस्क्ड हर, नेहा ने उसको पूछा व्हाई आर यू सो सैड टुडे, आज तू इतनी दुखी क्यों है। पूजा रिप्लाई, पूजा ने उसको आंसर दिया माय फादर इज इल, मेरे पिताजी बीमार हैं। नेहा से डोंट वरी पूजा, चिंता क्यों करती है, वी शॉल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस, चलो हम इसके बारे में रेसेस में इंटरवेल में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और वो दोनों क्या चलती है अंकल विल बी फाइन सून, पापा जल्दी तेरे पापा यानी मेरे अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। रेसेस में ड्यूरिंग रेसेस रेसेस के वक्त दोनों वापस मिलती हैं। फिर इनका कन्वर्सेशन क्या होता है देखो, नेहा से यस पूजा टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर, क्या हुआ तेरे पापा को। तो पूजा कहती पूजा से फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे, कल से पापा को तेज बुखार है। तो नेहा कहती डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर के पास जाकर आए। पूजा कहती है यस डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन, डॉक्टर ने उनको दवा दी है। माय ग्रैंड मदर एंड ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, मेरे दादी जी ग्रैंड मदर यानी दादी जी और ताऊ जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। नेहा सेड देन व्हाई आर यू वरीड, फिर तो क्यों चिंता कर रही है, ऑल आर देयर इन योर फैमिली, ये सारे आपके फैमिली में परिवार में रहते हैं। तो पूजा कहती है पूजा से यस ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली लिव टुगेदर, यस ये मेरे फैमिली मेंबर्स सारे एक साथ रहते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अंकल यानी ताऊ जी आंट यानी ताई जी चाचा जी अंकल चाची जी आंट बुआ जी आंट एंड देयर चिल्ड्रन विल ऑल लिव टुगेदर, और उनके बच्चे हम सारे क्या करते हैं
एक साथ रहते। देखो इसमें ये जो आया हुआ है ना, ये कौन सी फैमिली का आ गया? अभी मैंने आपको समझाया था जॉइंट फैमिली का, जिस फैमिली में दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली। तब नेहा कहती, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। आपके परिवार में ये सारे आपके पापा को अच्छे से देखभाल कर लेंगे। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days। देखना वो 2-3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर्स ओनली। मेरे परिवार में तो सिर्फ मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है। अब देखो इसमें पिक्चर बताया हुआ है, अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में देखो दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भुआ फूफा, भुआ जी वगैरह, ये सारे क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, ये आप खुद लिख सकते हो। ओके, यहाँ फैमिली मेंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है, डू दे लिव विथ यू और एनीवेयर एल्स, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। इसमें ये जो फैमिली मेंबर्स लिखे हुए हैं, ये फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो वो जगह का नाम लिखो। ग्रैंडफादर आपके साथ रहते तो यस विथ अस, ग्रैंड मदर यस विथ अस, ताऊ जी अगर ताऊ जी बाहर रहते हैं तो नो ही लिव इन बेंगलोर, ही लिव इन जयपुर, जो कुछ जहाँ रहते हैं वहाँ लिखोगे। ताई जी भी वैसे लिखोगे आप, फादर मदर विथ अस, ओके, चाचा जी चाची जी वो भी अगर आपके साथ रहते हैं तो यस लिखोगे विथ अस, और नहीं तो जहाँ रहते हैं उसका नाम लिखोगे। ये आपको क्या करना है, टेबल कंप्लीट करना है। आपको अब ये ग्रैंडफादर कौन है, ग्रैंड मदर कौन है, ये सारा समझ में आ चुका है, तो आपको ये फील करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब देखो बुक में और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, वो हम देखते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की हम लोगों ने डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लास। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। व्हाइल इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट विद ईच अदर। और जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली के सारे मेंबर्स एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखो फाइंड आउट एंड राइट डाउन, इसमें आपको ये रिलेशन प्रॉपर समझ में आए इसलिए क्या किया गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। हु आर योर नेबर्स, आपके पड़ोसी कौन है। हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में न्यूक्लियर फैमिलीज कितनी हैं। यानी कई लोग तो आपके आस पड़ोस में ऐसे होंगे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ मदर फादर और उनके बच्चे रहते हैं, तो ये आपको काउंट करके इसमें लिखना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिलीज, उनके फैमिली में कितने मेंबर्स है, एंड हाउ इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग देम। अगर आपकी फैमिली, अगर आपके आस पड़ोस वाली फैमिली जॉइंट फैमिली है तो उनके फैमिली में कितने मेंबर्स है और वो किस तरह से सारा वर्क क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में जॉइंट फैमिली कितनी रहती है और न्यूक्लियर फैमिली कितनी रहती है, ये सारा आपको क्या करना है, यस काउंट करना है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ दिया हुआ है इन पूजा फैमिली वाज न्यूक्लियर फैमिली, देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर। अगर पूजा की फैमिली न्यूक्लियर होती तो उसके पापा की देखभाल कौन करता। अब इसमें तो उसके दादा, उसकी दादी, ताऊ जी सारे उनके क्या कर रहे थे, केयर कर रहे थे, और
अगर वहीं अगर उनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती तो उनकी देखभाल कौन करता? मम्मी को, मम्मी और भाई बहन ही कर सकते थे। यस और नो? यस। अब देखो यहाँ पे एक कुछ ट्री ऑफ फैमिली, हेरिडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली दिया हुआ है। पूजा ड्यू हेरिडिटरी ट्री ऑफ हर फैमिली। देखो इसमें फर्स्ट इसमें बताया हुआ है रामलाल ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी उसके पापा के दादाजी, पूजा के पापा के दादाजी। रोशनलाल उसके दादाजी यानी पापा के पापा। संजय उनके पूजा के फादर, और पूजा यहाँ खुद सेल्फ हो गई। अब इनके देखो मिश्रीबाई ग्रेट ग्रैंड मदर यानी पापा के दादी जी। लक्ष्मी देवी ग्रैंड मदर जो पापा की मम्मी है, पूजा की दादी है। मीनू उसकी मम्मी है और ये पूजा है। यानी इस तरह से आपको क्या करना है, अपना फैमिली का भी ट्री डायग्राम बनाना है। मैं आपको भी ब्लैक बोर्ड पे समझाती हूँ किस तरह से। यस लुक एट दिस डायग्राम, ये मैंने भी आपको बुक में बताया है। अब क्या करेंगे हम ब्लैक बोर्ड पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ग्रेट ग्रैंड फादर, उसके बाद ग्रैंड फादर, उसके बाद फादर, और फिर आप अपना सेल्फ। ठीक है, सेल्फ यानी आप अपना खुद का नाम लिख सकते हो। देखो ग्रेट ग्रैंडफादर यानी पापा के दादा, पहले उनका नाम लिखोगे, फिर आप अपने दादाजी का नाम लिखोगे, फिर फादर का नाम, फिर आपका नाम आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको यहाँ अपना ट्री डायग्राम बनाना है। और जिस तरह यहाँ पे फादर का लिखा हुआ है उस साइड में आपको मदर का लिखना है। आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, अब यहाँ आएगा आपके ग्रेट ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड मदर, फिर आपके यहाँ आएगा मदर, और यहाँ आपका आएगा सेल्फ खुद को। ठीक है, ये इस तरह से आपको यहाँ मैंने ग्रेट ग्रैंडफादर लिखा है, वहां आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम लिखोगे, ग्रैंडफादर में ग्रैंडफादर का नाम लिखोगे, फादर में पापा का नाम, और सेल्फ में आप अपना खुद का नाम लिखोगे। यानी इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे वाला हेरिडिटरी क्या होता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझना है, जो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।